तो पंचमहाल मोरवा हड़फना सुलियात गामे पंचमहाल महिसागर अने दाहोद जिल्लानु आदिवासी समाजनु नवा वर्ष निमित्ते स्नेह मिलन योजायुं हतुं, जेमां आदिवासी समाजमां चालता कुहरीवाजो अने लग्न प्रसंगमां थता खोटा खर्चने अंकुशमां लावा तेमज कुहरीवाजोना कारणे समाजना गरीब वर्गना लोकोने पड़ती मुश्केलीओमांथी बहार लावाना प्रयास कर्या हता। स्नेह मिलन समाजना आगेवानोए समाजमां अंधश्रद्धा दूर थाय, शिक्षण प्रत्ये जागृतता आवे तेमज लग्न प्रसंग सहित अन्य प्रसंगोमां थता खोटा खर्च उपरांत कुहरीवाजो अंकुशमां लावा माटे अने समाजमां सामूहिक लग्न थाय ते माटे उपस्थित समाजना लोको साथे चर्चा करवामां आवी हती। साथोसाथ आदिवासी समाजना आगेवानोए समाजना लोकोने नवा वर्षनी शुभेच्छा पाठवी हती। लग्न प्रसंगनी अंदर केटला खर्चा ओछा थई सके अने अंधश्रद्धामांथी बहार आवे अने सामूहिक लग्न थाय एनी चर्चा विचारण करवा माटे आजे सुलियात मुकमे अमारा आदिवासी सम्मेलन बोलावामां आव्युं छे। आदिवासी समाजमां शिक्षणनो व्याप कई रीते वधे ए विशे पण समाजना आगेवानो मळी चर्चा करे, आदिवासी समाज सारी रीते खेती करी शके, पशुपालन करी शके, आर्थिक रीते सद्धर थाय अने समाजमां थता खोटा खर्चा अंकुशमां लावे ए लागणीथी આજે સુલિયાદ મુકામે મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લાના આદિવાસી એક સાથે આવીને સંગઠિત બનીને આદિવાસી સમાજની ચિંતા કરે તે બદલ આજનું આ સ્નેહ મિલન સંમેલનનું આયોજન કરેલું છે। तो अमदावादमां पुष्टि परिवार महिला क्लबे फास्ट फूड ने केवी रीते हेल्थी स्वस्थ बनावी शकाय ते अंगे एक कुकिंग क्लासनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां मोकटेल, स्टार्टर, डेजर्ट सहितनी विविध वानगीओ जाणीता कुकिंग एक्सपर्ट तल्ला दलालना दीकरी रेणु दलाले शीखवी हती। ओछा समयमां अने झड़पथी स्वादिष्ट रसोई केवी रीते बनावी शकाय ते अंगे पण मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं। વડાપ્રધાન ધાન્ય ઉપયોગ ઉપર ભાર મૂકી રહ્યા છે ત્યારે ધાન્ય એ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે, તો ધાન્યથી પણ એક રેસીપી શીખવાડવામાં આવી હતી। પુષ્ટિ પરિવાર મહિલા ક્લબ છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત છે અને 200 મહિલાઓએ અવનવી પ્રવૃત્તિ કરી કંઈક નવું શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે। આજે ખાસ અમે રેણુબેન દલાલ બોમ્બેથી બોલાવ્યા છે અને એ તલ્લાબેન દલાલ જે આપણા પદ્મશ્રી જેમને મળ્યો હતો અને આપણા એવોર્ડીઝ હતા એમને અમે ખાસ એમની દીકરીને અહીંયા બોલાવ્યા છે ને એ અત્યારે એમના મમ્મી તરફથી બધું શીખીને આજે અમને બતાવવા આવ્યા છે। मेरी माँ जो भी वो भी कुकिंग सिखाती थी, वो भी सबको पूरा देश को विदेश में सब लोगों को उसने कुकिंग तो सिखाया ही है, तो मैं वही बोलती हूँ कि कुकिंग का एफर्ट कर लो, कुछ नया नया टेबल पे लाओ और प्रेम से खाना बना लो, उसमें तो फ़र्क तो आ जाएगा खाने का आउटपुट। थोड़ा एफर्ट ले लो, जब हम जो भी हम करते लाइफ में हम एफर्ट लेते हैं, खाने में भी थोड़ा एफर्ट ले लो।